आज हम पढ़ेंगे पावर से रिलेटेड एंड हीट एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हीट की जहां पर भी बात आती है, सबसे पहले हमारे पास में आता है जूल्स लॉ। जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जूल्स लॉ को दिया हीट एनर्जी के बेस पर। उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी हीट एनर्जी होती है, हम हीट को रिप्रेजेंट करेंगे एच से। हीट यानी कि उन्होंने ना दो तीन बातें हमें बताई। उन्होंने कहा कि जो हीट एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। यानी कि हीट जो है आपकी, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट के ऊपर। करंट बढ़ेगा तो हीट एनर्जी भी बढ़ेगी आपकी। ये बोला उन्होंने पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो हीट एनर्जी है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ वायर के। यहां तक बात क्लियर हो गई। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो हीट एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। यानी जितने टाइम के लिए आप करंट को पास करोगे, उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी आपकी हीट एनर्जी। कहीं कहीं पे इस कैपिटल स्मॉल वाले टी को कैपिटल टी भी लिखा हुआ होता है, इसको हमने माना थर्ड पॉइंट। उन्होंने कहा, जब उन्होंने तीन बातें बताई, फिर उन्होंने बोला कि इन तीनों पॉइंट को ना क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी आई स्क्वायर आर इनटू में टी के। अब जब भी हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं, तो हमारे पास में कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू होगी वन। तो हीट एनर्जी आपकी किसके बराबर आएगी, आई स्क्वायर आर टी के। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो के कॉन्स्टेंट मैंने लिख दिया, K की वैल्यू 1 थी, तो आपकी हीट एनर्जी किसके बराबर आ गई, I स्क्वायर R T के बराबर आपकी आ गई हीट एनर्जी। ठीक है यहाँ तक की बात भाई? ठीक है, तो सबसे बेसिक और मेन फॉर्मूला आपका क्या हो गया कि हीट एनर्जी बराबर होती है I स्क्वायर R T के। यहाँ तक की बात ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था, एक ये तो हो गया जूल्स लॉ हमारा कंप्लीट। अब पावर क्या होती है आपकी, रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारी क्या कहलाती है, पावर। यानी पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है कि जो वर्क को आप टाइम से डिवाइड करते हो, यानी पर यूनिट, यानी कि जैसे कि पर सेकंड उसने कितना काम करा, वो क्या कहलाएगी आपकी, पावर। तो पावर क्या होगी आपकी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। डब्ल्यू से हो गया वर्क डन, और टी से आपका क्या हो गया, टाइम हमारे पास में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। दूसरा उन्होंने एक बात ये भी बोली, उन्होंने नहीं मतलब अलग से है ये, जूल्स लॉ तो यहीं तक ही है, कि जो आपका वर्क होता है, ये आपके पास में चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल के बराबर भी होता है। यानी W इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी भी आपका होता है। अब हमें ये पता है कि क्यू क्या था आपके पास में, चार्ज था, और चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर आप करंट का क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, आई हमारे पास में होता है क्यू बाई में टी के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूं, तो आई मल्टीप्लाई में टी किसके बराबर आ गया आपके पास, क्यू के बराबर। और इसी को हम यहाँ पर जब पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू किसके बराबर आ जाता है, आई मल्टीप्लाई में टी इंटू का वी के बराबर। अब पावर किसके बराबर थी, वर्क डिवाइडेड बाय में टाइम, कैपिटल टी लिखो या स्मॉल टी लिखो, वर्क किसके बराबर था, आई टी इंटू में वी डिवाइड बाय में टी। यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास में, वी इंटू में आई। तो एक फॉर्मूला तो पावर का क्या हो गया, वीपी इज इक्वल टू वी इंटू में आई। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं हमारे पास में, तीन फॉर्मूले आते हैं और ये तीनों एक ही फॉर्मूले से डिराइव होते हैं। अब देखो पहला फॉर्मूला क्या आ गया, P is equal to V multiply में I आ गया हमारे पास में। अब देखो ओहम्स लॉ क्या था हमारे पास में, ओहम्स लॉ था हमारे पास में कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू में आर होता है। ठीक है ना ये वाली बात, इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, तो पी इज इक्वल टू वी की जगह पे आ गया आई आर, फिर क्या है मल्टीप्लाई में आई, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या निकल गया, आई स्क्वायर में आर आपके पास में। एक फॉर्मूला ये आया, दूसरा ये आया। अब
अगर आप चाहते हो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में आंसर निकालना, तो यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो V बाय में R किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। तो हम उस फॉर्मूले फिर से पुट करते हैं, P V हो गया यहां पर, I की जगह पे मैंने पुट कर दिया V इंटू में V बाय में R, तो पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या निकल गया, V स्क्वायर बाय में R। ठीक है यहां तक, यानी एक फॉर्मूला पावर का याद है तो हम तीनों निकाल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला, और ये क्या हो गया आपके पास में थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सब हो गए हमारे पास में पावर के एंड हीट के। आज तक के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है।